हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विद लव। मुंबई का फेमस बड़ा पाव होता है, उसकी जो लाल वाली सूखी चटनी रहती है, आज वो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। मतलब वो लाल वाली सूखी चटनी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 5-7 ये कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले सकते हो। और 4-5 मैंने ये तीखी वाली जो लाल मिर्ची आती है इसको ले लिया है। गैस जला के पैन मैंने रख दिया गैस पे, और ये मिर्ची को मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको भूनूंगी कि मिर्ची को हमें काला नहीं करना है, सिर्फ इसकी नमी निकल जाए, बस वही उतना हमें सेक लेना है। तो इसको मैं ऐसे चला के सेक लेती हूँ। 2-3 मिनट मैंने मिर्ची सेक ली है, अभी इस तरीके से करारी हो गई है। ये मिर्ची मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में साइड में। मैंने 8-10 पीस लहसुन लिया है जो कि छीला नहीं है, बिना छीले हुए छिलके समेत लहसुन लिया है, और 8-10 पीस मैंने छील के लहसुन ले लिया है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा सेक लेती हूँ, इसकी भी नमी निकल जाए, बस वही इतना सेकना है। लहसुन हमारा हल्का सा सेक गया है, बहुत ज़्यादा नहीं सिका है। तो अभी लहसुन मैं ऐसे साइड कर देती हूँ, और इसी में 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी। 1 टेबल स्पून धनिया ले रही हूँ, धनिया के सीड हैं, और 1 टेबल स्पून जीरा लिया है मैंने। इन दोनों को भी इसी में तेल के साथ ही ऐसे रोस्ट कर लेती हूँ। देखिए हल्का सा रोस्ट हो गया, तभी लहसुन भी साथ में ले लेती हूँ। साथ में लहसुन भी ऐसे डल जाएगा तो ये भी रोस्ट हो जाएगा। 2 टेबल स्पून मूंगफली भून लिया है, उसको थोड़ा सा तेल में डाल के इसको रोस्ट कर लिया है। ये मूंगफली भी ऐसे डाल देती हूँ, इसको भी साथ में ही गर्म कर लूँगी। 2 टेबल स्पून व्हाइट वाला तिल लिया है, ये तिल भी इसी में डाल के हल्का सा इसको भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। बस अभी गैस को बंद कर देती हूँ, जितना हीट है उतना हीट काफ़ी है। मैंने थोड़ा सा ये जो नारियल का गोला आता है वो वाला नारियल ले लिया है, इसे पतले पतले चिप्स में काट लिया है, इसको भी डाल के इसी में रोस्ट कर देती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं लिया है। नारियल का गोला मैंने इसलिए थोड़ा सा लिया क्योंकि मुझे ये डेसिकेटेड नारियल भी डालना है। 2 टेबल स्पून में ये नारियल का पाउडर भी डाल देती हूँ, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और पैन में हमारे जो हीट है उतने हीट से ये सब गर्म हो जाएगा। बस अभी सभी कुछ मिक्स हो गया है, अभी इसी पे मैं इसको ऐसे 5 मिनट ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए जो चटनी का हमारा मिक्सर ये तैयार कर लिया मैंने, गर्म कर लिया है, तो अभी ये ठंडा हो चुका है। इसके लिए मैंने ये कि मिक्सी ग्राइंडर ले लिया है, इसी में ये सभी कुछ डाल के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, सब एक साथ में ग्राइंड करूँगी मैं। अभी इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, और इसी में मैं हल्का सा हींग डाल रही हूँ, मतलब 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, मिक्सी में रुक रुक के चलाऊँगी क्योंकि इसको मुझे फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ये हल्का सा दरदरा सा होता है, तो इसको मैं मिक्सी चला लेती हूँ रुक रुक के। तो ये देखिए मैंने मिक्सी जार को मिक्सी रुक रुक के मैंने चलाया है, तो ये देखिए ये इस तरीके से पाउडर बन के तैयार हुआ है। मतलब हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए होता है, बस इसी तरीके से ये दरदरा सा पाउडर चाहिए होता है। और जो ये वाइट वाइट थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये वही जो लहसुन मैंने छिलके समेत लहसुन डाला है, ये वही लहसुन है। लहसुन के जो पत्तियाँ होती हैं, बस वही लहसुन की पत्तियाँ ये वाइट वाइट दिख रही है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए और बड़ा पाव बना के इंजॉय करिए। देखिए इस तरीके से मैंने लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी बना के तैयार की है बड़ा पाव वाली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।